देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मिट्टी अच्छी होती है ना, और आप प्लांटेशन में खूब सारे पौधे लगा देते हैं, तो कुदरत अपना काम करना शुरू करती है। अब ये देखिए, ये सौंफ के पौधे हैं। आपने सौंफ खाई है ना, वो जो होटल में मिश्री के साथ सौंफ देते हैं जब आप बिल पे करते हैं, तो ये वो सौंफ जो है, तो ये सौंफ का पौधा है। यहाँ पर कई सौंफ के पौधे लगे हुए हैं, और यकीन मानिए, हमने सौंफ का पौधा नहीं लगाया। ये कहाँ से बीज उड़कर आए, कुदरत ने अपना करिश्मा कैसे दिखाया। और यहाँ पे अजीबोगरीब कई ऐसे पौधे हैं, स्पीसीज हैं, जो हमने नहीं लगाए। हमने यहाँ तकरीबन 38 स्पीसीज लगाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 लगाई होंगी, ठीक है, 40 स्पीसीज। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 70-75 स्पीसीज के प्लांट्स लगे हुए हैं, और कुछ प्लांट्स जो हैं वो कुदरत ने लगाए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर आप एक साइट पे काम करते हैं, अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं, अच्छा उसको अच्छी एनर्जी देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बाकी प्लांट्स हेल्दी होते हैं, मिट्टी हेल्दी होती है, टाइम पे आप पानी देते हैं, टाइम पे खाद देते हैं, तो कुदरत जो है, नेचर ऑल्सो हेल्प्स यू। इफ़ यू हेल्प योर सेल्फ, नेचर ऑल्सो हेल्प्स यू, एंड कुदरत अपना करिश्मा दिखाती है। और देखो कैसे जंगल को बनाने में, ये अब तो हमने तो सिर्फ सैपलिंग्स लगाए, हमने बाकी मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, अभी 2-3 साल और काम करना है यहाँ। लेकिन फॉरेस्ट बनाना, ये ऊपर वाले के हाथ है। फॉरेस्ट को रूप देना, डिज़ाइन देना, ये नेचर का काम है, ये हमारा काम नहीं है। और बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने नहीं देखा होगा, सौंफ का पौधा ऐसा दिखता है।